न्यू ईयर का क्या सीन है भाई लोग? सीन क्या? अपना तो सही है, अपना भी सही है। सीन क्या? अबे कोई बताएगा जाना कहाँ पे? गोवा। Guys, I think we should also consider Dubai. Hey, तू चुप कर बे। तू रहता मत पहला। Goa. तो Goa done? Done. Done. One month to go, my lord. Go. Guys, I still think Dubai is a better option. अबे तू चुप कर, शेख चिल्ली साला. ये तू रहता मत पहला भी. Go. लेकिन गोवा जाके करेंगी भी क्या यार? अबे दारू, चटना, बीचेस, बिकिनी, म्यूजियम्स, फॉरेनर. एक मिनट, अंजू का फोन आ रहा है. अंजू, हार्ड रॉक कैफे मैन. तब आपका वड़ा पाव. बचिया पाव, चल जा. चार लड़कियां होती ना साथ में तो मजा आ जाता है. लड़के नहीं आएंगे क्या? सॉसेज पार्टी मनाएंगे क्या? नो वरी गाइस, मैं अपनी फ्रेंड्स ले आऊंगा. तो आप पहले का 200 रुपया देता हूँ ना, चल जा. One week to Goa, guys. Goa. I'm so sorry guys, I'm going to Dubai. You guys carry on, okay? Bye. अलीबाग चलते ना यार, वहाँ पे भी दो बीचेस हैं. भाई कोई आए ना आए, अपन तो आ रहे हो बस. अपना तो सही है. यार 31st को गोवा जू बीच बन जाता है यार, कितनी भीड़ होती है वहाँ पे. भाई एक सेकंड, अंजू का फोन आ रहा है. अंजू. हेलो बेबी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था. एक्चुअली मैं हम लोग गोवा. यू नो मी सो वेल बेबी, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू. आई लव यू सो मच. मुझे पता था कि मेरा बाबू जानता है कि मैं हार्वेल की कितनी बड़ी फैन हूँ. ऊपर से टिकट चार 16 जस्ट 10,000 ईच. मुझे पता था कि मेरा बाबू मुझे लेके जाएगा. यू आर माई कुची पुची. Guys, cancel. कोई बात नहीं guys, अपन enjoy कर लेंगे. अरे बिल्कुल भाई, तू टेंशन मत ले. अपन है ना, अपन गोवा जाएंगे, बीच पे जाएंगे, बियर बीच पे भी जाएंगे, बियर भी पियेंगे और बिकनी वाली लड़कियां भी. आवाज नहीं आ रही. यार इन लोग का हमेशा का है यार, तुमको पता मैंने फ्रेंड्स लोगों की फ्लाइट की टिकट भी बुक करा दी थी. सब अब तो पैसा दे तो साल खत्म हो गया. पेटीएम है, जा इंस्टॉल करके आ पहले. क्या फोन पे लंबी लंबी फेंकते हो? एक्सक्यूज मी भैया, ये कौन सा बीच है? अक्सा. थैंक यू.
बाबू अक्सर बीच पे आ जाते हेलो। हाँ भैया, एक प्लेट तंदूरी चिकन, दाल, राइस और रोटी बटर के साथ। आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ना बाहर से। तुम क्या खाओगे बोलो, मैं तो अपने लिए चिकन मसाला ऑर्डर कर रहा हूँ। क्या मतलब है तुम चिकन मसाला खाओगे, मैं भी तो साथ में ही खा रही हूँ ना। एक काम करो, ज्यादा हैवी नहीं खाते हैं हम दोनों, थोड़ा लाइट लाइट खाएंगे, मिक्स वेज और साथ में रोटी। तो तुम तो जानती हो कि मैं कितनी रोटी खाती हूँ। मिक्स वेज ना। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं रुको, तुम्हें याद ही नहीं है कल ही हमने मिक्स वेज खाई थी। तो आज नहीं खा सकते? क्यों कर रहे हो तुम मिक्स वेज ऑर्डर? मेरा ना छोले भटूरे खाने का मन करता है, एक बार ना छोले भटूरे बोल। ये फाइनल है? नहीं 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 नहीं, भटूरे ऑयली होते हैं ना, थोड़ी केयर किया करो मेरी। अच्छा एक काम करो ना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते हैं, प्लेन दाल राइस ऑर्डर करते हैं, तुम्हारे लिए भी नहीं मेरे लिए भी है ना। खाओगे ना दाल राइस? हेलो। अच्छा सुनो ना, सुनो, दाल राइस ही खाना है तो घर पे ही खा लेते हैं ना। और तुम तो कितना अच्छा दाल राइस बनाते हो, बनाओ ना, बनाओ ना प्लीज, मेरे लिए बनाओ ना, बनाओ के ना। ना हक कर आए हो तो ओलू तुम चावल, मेन कोर्स में आज बना है फर्स्ट नंबर वन राजमा चावल। डंग डंग डंग। यो बेबी, आई एम रेडी, लेट्स पार्टी। बेबी इसे प्रेस तो कर लेते, अब जाओ जल्दी से प्रेस करके लाओ, बहुत देर हो गई है। ठीक है चलो चलते हैं। बाल नहीं बनाए बेबी, अच्छा है कि सोना ये ब्लू वाली शर्ट ही पहन लो। अच्छा तो एक काम करो कि जो तुमने सबसे पहले पहना था ना वही वाली पहन लो, वो भी ज्यादा बुरी नहीं लग रही। मम्मी समझाती थी कि बेटा लड़की से दूर रहना, लेकिन नहीं, हमें तो उड़ते हुए तीर लेना है ना दोस्तों के पास, जा जाके भाई तेरे दोस्त से मिला दे, वो रिया से मिला दे, वो प्रिया से मिला दे। क्यों तू नहीं जाता, तेरे भाई का घर बसे, ले बस गया ना बेटा घर। जब यार यही टी शर्ट पहनानी थी तो क्यों मुझे चार चार चेंज करवाने लगा? क्यों? क्योंकि उसको अपनी चॉइस मेरे से ज्यादा बेटर दिखानी थी। सुकून नहीं दिखता ना चेहरे पे, मैं खुश होके आया था ना, मजा नहीं आ रहा था उसको। हाँ आ रहा हूँ बेबी, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, यही कोई रिया टिया ना, बच के रही, हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरे तुलन के। कहाँ?
राहुल यहाँ रहता है। मुझे लगा दूध ना लगा। फोन देना। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या मिजाज है आपके? भाई हमारे तो सही है, तुम बताओ 4 जून का क्या प्लान है? 4 जून का क्या प्लान है? पटाखे खरीदने चालू कर दिए, फोड़ेंगे। हार गए तो टीवी फोड़ोगे? पिछले वर्ल्ड कप में तो सारी टीवियां फूट गई थी। अच्छा बताओ मैच कैसे देखोगे? मैच कहाँ पे देखने वाले का क्या मतलब? इंटरनेट पे देख लेंगे। अबे सब कुछ तो बयान है तुम्हारे यहाँ। हसलो भाईजान हसलो, 2009 की तरह सन्नाटा छाने वाला 4 जून को। चैंपियंस ट्रॉफी याद है? है शोएब मलिक है मैन ऑफ द मैच है। अबे सुन, वो जमाई राजा है हमारे, हमारे बहन की टक्कर में उसको खेल लेने देते हैं थोड़ा बहुत। हाँ एक काम कर, एड्रेस भेज, खास स्पेशल गिफ्ट भेजूंगा 4 जून को। भेज देगा। अच्छा सुन, आप प्रीति की बस इस बार जिंदा दे, पिछली बार की तरह मत करना। You stupid. जनाब आपके लिए टीवी आई है। ओके मैं हमेशा से इतना खुश नहीं था, पहले मेरे भी लगे रहते थे। बाबू शक्कर थोड़ी कम है। हर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन माँ कसम कभी कभी क्या बोलती है कुछ समझ में नहीं आता है। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान हैं? हाँ क्या आपको लगता है कि आप उसकी बात समझ गए हैं लेकिन तभी आप क्या कट जाता है? हाँ भाई हाँ। तो तड़का टेली शॉप लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा ऐप जो आपकी जिंदगी बदल देगा, एक ऐसा ऐप जो आपको बताएगा कि आपकी गर्लफ्रेंड आखिर कहना क्या चाहती है। What? What the fuck she mean है? Baby, we need to talk. Okay. बाबू आज शॉपिंग चलेंगे? हाँ बात करते हैं ना यार। नाइस ट्रीक्स यार। थैंक यू। कहाँ से कराया? आई हैव माई ओन स्टाइलिस्ट, वो घर के पास लक्ष्मी सौंदर्य ब्यूटी पार्लर है ना वहाँ से। वैसे तुम पहले से काफी पतली हो गई हो। खाने को नहीं मिलता क्या बिकारन? हाँ मैंने अभी नया जिम ज्वाइन किया है ना इसलिए। मेहनत करती हूँ तेरी तरह, बॉटम की छाती पे मूंग नहीं दलती। और ये ड्रेस भी तुम पे काफी अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? बैंड्रा से? मरी हुई बिल्ली जैसी तो दिखती है। अंजलि तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो, कुछ ड्रिंक्स विंक्स लो ना, चकना तो पूरा खा ही गई है, अब मुफ्त की दारू भी पी ले। नो नो आई एम ओके, साली कुत्ती कमीनी सारी दारू खत्म होने के बाद मुझसे पूछ रही है। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। राम मिलाए जोड़ी, एक गंदा एक कोड़ी। तुम दोनों भी साथ में काफी अच्छे लगते हो। कैसा लगा आपको हमारा प्रोडक्ट? तो आज ही डाउनलोड कीजिए What the fuck she mean app, कीमत सिर्फ 999, GST लागू।
हेलो हेलो सुसाइड प्रिवेंशन कंट्रोल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ सर? जी मैम। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी मुझे। हेलो 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 मैं कुछ भी हेलो हेलो सुसाइड प्रिवेंशन कंट्रोल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ सर? जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। ओह सर, उस केस में मैं आपकी कॉल अपने एक समझदार सीनियर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर देता हूँ। आप उन्हीं को बता दीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। हेलो सुसाइड प्रिवेंशन कंट्रोल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। जी मैंने अभी आपको कॉल किया था एंड आई सेड लाइक कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। तो आपने कहा कि किसी एग्जीक्यूटिव को आप कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं और वहां पे कॉल लगी नहीं। ओके सर, आप अपना नाम और एज बताइए। हृदय शर्मा, 27 इयर्स। HRI। ओ ऋतिक, हृदय दिल हार्ट। ओ सर, एक नाम बताइए ना सर। अरे यार आप जो स्पेलिंग आती ना वो लिख दो आप। ओके हृदय जी, लेकिन इस नाम से तो हमारे पास में कोई कॉल नहीं आया। क्योंकि आपने मेरा नाम पूछा ही नहीं, आपने मेरी कॉल सीधा सुपरवाइजर को ट्रांसफर कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है सर कि हम आपका नाम ना पूछें? जी आपने कहा कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, उसके बाद सर उसी के बाद तो हम नाम पूछते हैं। अरे आप मुझे बोलने दोगे मैं बोल लूं? जी सर, इसीलिए तो हम हैं। जब मैंने आपको कॉल किया तो आपने कहा मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, तो मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ तभी तभी क्या सर, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ना उनकी कॉल हम अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर देते हैं, वही उनसे उनका नाम पूछते हैं। तो अब क्या करना है सर? अभी आपको सब समझ में आ रहा है या अभी भी नहीं? मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। किसने जॉब दिया तुमको? सर सर आप ऐसे नहीं बोल सकते सर। सुन, मुझे अपनी जान लेने का मन कर रहा है सर, इसीलिए तो हम हैं ना आपकी सेवा के लिए। सुन रहे हो, आपका क्या नाम है? हृदय सर, HRI। तू पागल है क्या? नहीं नहीं सर, मानसिक संतुलन में तो मैं सबसे 30% आगे हूं। व्हाट्सएप पजल ना नहीं हूं, 17 सेकंड के अंदर मैं सॉल्व कर देता हूं। मुझे सुसाइड करना है। तो आपने यहां क्यों कॉल किया सर? आप लोग क्या करते हो? सुसाइड प्रिवेंशन। ओ अच्छा अच्छा, आपको सुसाइड करना है? हाँ। ऐसी कैसी बात कर दी सर आपने, ऐसे कैसे सुसाइड करने देंगे आपको? रुकिए मैं अभी आपकी कॉल अपने सुसाइड एक्सपर्ट कंट्रोल ऑफिसर को ट्रांसफर कर देता हूँ। ओ शिट, क्या हुआ? अरे सर तो आज छुट्टी पर है ना सर। वाह जस्ट वाह, मतलब वो उनकी भतोई वाली चाची है ना, उनकी बुआ पे दमाद की आज डेथ हो गई सर। वो आपको कल मिलेंगे। आप ना एक काम कीजिएगा, आप कल सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में किसी भी समय कॉल कर लीजिएगा। मतलब मैं सुबह 7 बजे उठकर तुम लोगों को कॉल करूं? सर हम आपकी सेवा के लिए है ना। चुप कर साले, घंटे की सेवा साला। सर आपकी सेवा में लगाओ आपसे। चुप, एकदम चुप साला, यहाँ कोई मर रहा है, तुझे जॉब किसने दिए बे? सर उसी के लिए तो हम आपकी सेवा के लिए हैं। अरे चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा, तेरे मुंह से अगर एक शब्द निकला ना मर्डर हो जाएगा। उसको मर्डर नहीं, सुसाइड कहते हैं सर। अबे तेरा मर्डर हो जाएगा भोसड़ी के, इडियट मोरन चूचा साला।
सर, आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है सर। हाँ, जो उखाड़ना उखाड़ ले, देख लूंगा मैं। लेकिन सर, आप तो सुसाइड करने वाले थे ना? नहीं करूंगा, जब तक तू नहीं मरेगा मैं नहीं करूंगा। सर पक्का? पक्का नहीं करूंगा। सर आपकी सहायता करके ना बहुत अच्छा लगा, और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ सर? चुप। सुसाइड प्रिवेंशन कंट्रोल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे सर। सेमीफाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को 203 रन से हराया। स्कोर करने वाली बात यह है कि अंडर 19 को पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इतना सीरियसली ले लिया कि किसी भी बल्लेबाज का स्कोर 18 रन के ऊपर नहीं गया। इसके साथ ही पाकिस्तान टीम ने मीडिया के उन सारे इल्जामों को बेबुनियाद साबित कर दिया है जिसमें कहा जाता था कि पाकिस्तानी टीम इंग्लिश को सीरियस नहीं लेती। दूसरी खबरों में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आधार को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसके अलावा दौड़ में मित्रों, नोटबंदी और गौरक्षक भी शामिल थे। इस दौड़ में पद्मावती का नाम भी शामिल था, लेकिन पद्मावती के साथ हमेशा बैन जुड़े रहने के कारण और कर्णी सेना के डर के कारण इस शब्द को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। पिछले हफ्ते एचआरडी मिनिस्टर सत्यपाल सिंह ने डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को गलत ठहराते हुए कहा कि किसी ने बंदर को इंसान बनते हुए नहीं देखा है तो ये थ्योरी सरासर गलत है। इस पे किसी ने प्रश्न किया कि संजीवनी पर्वत उठाने वाला क्या तुम्हारा ताऊ था जिनको तुम्हारे मामा ने उठाते हुए देखा था? ये किसी और ने प्रश्न किया है, हमने नहीं। माफ कीजिए, हम ये खबर खारिज करते हैं क्योंकि अभी अभी हमारे न्यूज चैनल को धमकी मिली है। न्यूज एक्स की एंकर संजना चौहान ने कर्णी सेना सपोर्टर द्वारा ऑन एयर लिसन टू मी बेबी कहे जाने पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में केस फाइल किया है। हमारे मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हो सकता है कल एनसीडब्ल्यू में पत्थरों की बौछार हो। नारी के सम्मान को लेकर शुरू हुई इस बहस से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि हम तो सिर्फ मरी हुई औरतों की इज्जत करते हैं, जिंदा औरतें अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। फैशन की खबरों में क्लोथिंग ब्रांड जारा ने यूके में ऑनलाइन नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसे सीधे शब्दों में लुंगी ही कहा जा सकता है और जिसकी कीमत 70 पाउंड बताई गई है। हमारे सूत्रों के अनुसार अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च होता है तो इंडिया के ब्रांड लवर या सीधे शब्दों में कहा जाए तो पोजर्स जो हमेशा इसका मजाक उड़ाया करते थे वही अब अंग्रेजी ठप्पा लगने से इस प्रोडक्ट को आंख बंद कर 70 रुपए की चीज 70 पाउंड में खरीदेंगे। तुलसी इस जगत में भांति भांति के लोग, कछु तो सेंसर्ड और कछु तो बहुत ही सेंसर्ड। जी हाँ, इस कहावत को सच साबित करते हुए एक ड्रग पेडलर ने 40 लाख का आईटी रिटर्न फाइल किया। इससे पहले कि आईटी रिटर्न पूरा होता, पुलिस उस तक पहुंच गई और उसको धर दबोचा। अभी तक के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए तड़का समाचार। नमस्कार। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार। मैं हूं ना, आई एम सोनू, 18th फ्लोर, यू आर 17, मैचिंग मैचिंग मैडम, व्हाट इज योर नेम मैडम? नेम नेम गुप्ता, सोनम गुप्ता। तूने दिल मेरा तोड़ा,
कहीं गाना छोड़ा सनम बे सनम बे बफा सनम बे बफा लड़की दीवानी लगे बाबा जी बाबा परियों की रानी लगे बाबा जी बाबा। हेलो मैडम, आई एम सोनू, 18th फ्लोर बिहाइंड बिल्डिंग 9823547689 कॉल मी एनी टाइम इन द नाइट आफ्टर 12। आपकी स्माइल मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी है मैडम। मैडम इधर, मैडम कहाँ जा रही है? शौक से नाकामी की बदौलत ऊंचाए दिल ही छूट गया सारी उम्मीद। हेलो पापा, मेरे को गाड़ी चाहिए। गाली नहीं, गाड़ी चाहिए। गाड़ी गाली क्यों दे रहे हो? हेलो पापा, बोलो। मैं जब भी ये लैपटॉप रिस्टार्ट करती हूँ ये ब्राउजिंग हिस्ट्री कहाँ गायब हो जाती है? क्या? मैं जब भी लैपटॉप रिस्टार्ट करती हूँ ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट क्यों हो जाती है? एंटीवायरस। क्या एंटीवायरस? इसमें एंटीवायरस है ना, वो क्या करता है जब भी हम लैपटॉप रिस्टार्ट करते हैं ना तो सारे बुकमार्क्स कुकीज फेवरेट्स जो है ना डिलीट कर देता है फॉर सेफ्टी पर्पसेस। यस। अरे लेकिन एंटीवायरस तो मुझसे पूछता है हर बार कि डिलीट करूं कि नहीं करूं। अब बेबी, एंटीवायरस तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ा है जो हर चीज तुमसे पूछ के करेगा। सॉरी। तुम पॉर्न देखते हो ना? क्या? तुम पॉर्न देखते हो ना? पॉपकॉर्न? देखते हो तो बता दो, मैं जज नहीं करूंगी। तुम जज नहीं करोगी? क्या? हाँ हाँ, पूरा बोलो। हाँ मैं पॉन देखता हूँ। ओके। मैं जब घर में रहती हूँ तब भी देखते हो। यार तुमने कहा था तुम जज नहीं करोगी। अरे कहाँ जज कर रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे घर पर रहने के बावजूद दूसरे कमरे में जाके पॉन देखता है। मेरे घर में रहने के बावजूद इसमें जज करने वाली कौन सी बात है ना?